हेलो एंड वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने किया एक था टाइगर को प्रमोट करने से इनकार। राज 3 का फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट कैसे बन गया कॉन्ट्रोवर्सीज का अड्डा। बताएंगे कौन सी एक्ट्रेस बनेगी संजय लीला बंसाली की जूलियट। शाहरुख ने क्यों प्रीपोन की चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग डेट्स। और दिखाएंगे फराह खान और चित्रांगदा सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान ने अपनी फिल्म एक था टाइगर को प्रमोट करने से कर दिया है इनकार। क्यों अपनी फिल्म के प्रमोशन से सलमान को हो रही है प्रॉब्लम, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। खुलासा यह है कि इससे पहले कि सलमान खान कोई खुलासा करें, जूम पर होने जा रहा है एक था टाइगर को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। एक था टाइगर के अंदर मैंने एक रॉ एजेंट का किरदार अदा किया है और खुलासा यह है कि एक था टाइगर 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। ये तो सलमान खान का प्रमोशनल खुलासा है, लेकिन हम जिस खुलासे की बात कर रहे हैं उसे सलमान शायद ही अपने मुंह से कबूल करें, क्योंकि सोर्सेस से पता चला है कि एक था टाइगर को प्रमोट करने के लिए टाइगर सलमान खान बिल्कुल नहीं थे तैयार। रिसेंटली सलमान ने अपनी ही फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया था, तो हुआ ना ये सबसे बड़ा खुलासा। लेकिन जब कटरीना कैफ ने सलमान को रिक्वेस्ट करते हुए ये कहा कि ये फिल्म सिर्फ उनकी नहीं बल्कि कटरीना की भी है, तो सिर्फ और सिर्फ कैट्स की खातिर सलमान एक था टाइगर को प्रमोट करने के लिए राजी हो गए और पहुंच गए एक डांस रियलिटी शो में। ये तो हमारे लिए भी लेकिन चिकनी चमेली का जिक्र होते ही सलमान एक बार फिर भड़क उठे और सलमान ने कर डाले उन कई सारी बातों के खुलासे जो अब तक सिर्फ एक था टाइगर की कोर टीम के बीच थे। आए हैं एक्चुअली प्रमोशन ऑफ एक था टाइगर के लिए, लेकिन ये बात करेंगे चिकनी चमेली जो कि इनको मना किया गया है। तो मना किया गया है अदि और नाम करण कबीर है सेट के डोंट टॉक अबाउट चिकनी चमेली। किसने क्या मना किया था वो सलमान भाई ने बता दिया, पर अपनी बात नहीं बताई कि उन्होंने रिलीज के करीब 15 दिन दूर रह गई एक था टाइगर को कैसे ये कहकर प्रमोट करने से मना कर दिया कि उनकी फिल्म को प्रमोशंस की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल कटरीना की कोशिशों से सलमान भाई प्रमोशन के मैदान में आ तो गए हैं। सोर्सेस से पता चला है कि सलमान ने प्रमोशंस के लिए मांगे गए 22 दिनों को घटाकर सिर्फ 9 दिन कर दिया है, जबकि फिल्म की रिलीज को अब सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। इसलिए सलमान भाई के 9 दिनों के प्रमोशन के अलावा बाकी के 4 दिन प्रमोशंस की जिम्मेदारी अकेली कटरीना कैफ उठाएंगी। वैसे भी ये तो पहले ही क्लियर है कि पिछले दिनों में एक दो फिल्म प्रमोशनल इवेंट्स के अलावा जब सलमान खान एक था टाइगर को प्रमोट करने ज्यादा सामने नहीं आए, तभी से उनके फैंस को हैरानी हो रही थी कि कोई बात जरूर है जिसकी वजह से उनका ये स्टार प्रमोशन से दूर है, और उस वजह का खुलासा हो गया एक्सक्लूसिवली जूम पर। एक था टाइगर 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, पर बिना ज्यादा फिल्म प्रमोशंस के उस पर भी अगर एक था टाइगर के प्रमोशनल इवेंट्स हुए तो लगता है वो भी किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सलमान भाई की शर्तों पर ही होंगे। फॉर आरती दानी, जूम मुंबई। फिल्म राज 3 के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट से गायब रही फिल्म की सेकंड लीड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता और फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने कबूल भी किया कि ईशा फिल्म की पूरी टीम से है नाराज। क्या है ईशा की नाराजगी की वजह, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Dear, I do not know why Isha has not come. Sorry to interrupt, but I somewhere feel that she's upset. His son has got only one successful film and that's Raaz 2. ये राज 3 का है के जिस्म का है। हर बात तो जो मेरे मेरे पिताजी के बारे में पूछो ना यार, वो भी फिल्म में थे। हाँ, मेरी बेटी भी है, हमारी हो गया तुम लोग का यार। Controversy,
कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। फिल्म राज 3 के फर्स्ट लुक लॉन्च पर कुछ यही नजारा सामने आया। सबसे पहले फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च से गायब रही राज 3 की लीडिंग लेडी ईशा गुप्ता। Here I do not know why Isha has not come. Sorry to interrupt, but I somewhere feel that she's upset. फिर राज 2 को लेकर इमरान हाशमी का आया एक कंट्रोवर्शियल बयान। Unfortunately, we couldn't recreate the kind of magic that Raaz 1 had with Raaz 2. But we tried really hard. I think with this film, I think it kind of surpasses the first Raaz in many ways. यही नहीं, शेखर सुमन के राज 2 को लेकर किए गए एक कमेंट से यहाँ नाराज नजर आए भास। Fantastic, like Shekhar Suman can talk things like that. Because his son has got only one successful film and that's Raaz 2. And if he wants to take away his son from that successful product, then God save his soul. और आखिरकार इवेंट पर काम एंड कूल नजर आए महेश भट्ट ने भी जिसम 2 को लेकर पूछे गए सवाल के बाद निकाला अपना दबा हुआ गुस्सा। यार ये राज 3 का है कि जिस्म का है, ये हर बात तो जो मेरे पिताजी के बारे में पूछो ना यार, वो भी फिल्म में थे। मेरी बेटी भी है, कमाल ही हो गया तुम लोग का यार। महेश जी, इमरान के हम मंच पे खड़े हैं तो कुछ भी सवाल पूछेंगे, वो शेखर सुमन के बारे में पूछ रही है, आप जिस्म के बारे में पूछ रही है। रात के 12:30 बजे रखा गया इस हॉरर फिल्म का इवेंट भट्ट के लिए सच में रहा हॉरिबल। इवेंट की शुरुआत ही कुछ उस तरह नहीं हो पाई जिस तरह उन्होंने प्लान किया था। तुम नहीं जानते मैंने किसे अपना खुदा बनाया। डायलॉग सही बोला नहीं बच्चा हमारा। जी हाँ, भट्ट ने इवेंट को एक ड्रामेटिक अंदाज में शुरू करने की सोची थी, लेकिन बिप्स यहाँ अपने डायलॉग्स भूल गए। फिर जैसे तैसे इस इवेंट की शुरुआत की गई और मीडिया ने जैसे ही देखा कि फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस इस इवेंट पर मौजूद नहीं है तो पहला सवाल इस बारे में पूछा गया, जिससे महेश भट्ट साहब तो अनजान बने नजर आए, लेकिन मुकेश भट्ट ने सारी सच्चाई जाहिर कर दी। Here I do not know why Isha has not come. I mean, she is one of us. She is brilliant in the film. She's outstanding compared to what she has done. Sorry to interrupt, but I somewhere feel that she's upset because of the staggering response the first poster of Raaz 3 created, and she didn't find herself there. So, what I heard the inside story is that she is upset about not being there in the poster. Well, जी हाँ, ईशा गुप्ता इस बात से काफी नाराज है कि उन्हें फिल्म के पोस्टर में जगह नहीं मिल पाई है और इसीलिए उन्होंने इस इवेंट का किया बॉयकॉट। वैसे ईशा यहाँ नहीं थी तो जाहिर है कि सारा लाइमलाइट बिपाशा पर ही रहने वाला था, लेकिन बिपाशा यहाँ अपनी फिल्म से ज्यादा ये बताने में लगी रही कि भट्ट अभी भी उनके काफी करीबी हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी, मुकेश जी और मैं हमेशा 10 साल शायद काम नहीं किया साथ में, बट हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और रोल्स का डिस्कशन भी करते हैं। वो चाहते हैं मैं घर जैसी हूँ। They wanted to offer me a good film, they've given it to me and I loved it. वैसे इवेंट की शुरुआत होते ही भट्ट साहब ने ये भी साफ कर दिया था कि बिप्स अपने करियर के अच्छे फेज से नहीं गुजर रही हैं, इसीलिए उनको फिर से मिला है भट्ट का साथ। She was going through a phase and we dared to ask her an honest question and she gave an audacious answer. She said, help me touch that dark, painful part of my existence and I will give it to you all. Well, Bhatt sahab yahan yahi kehna chahte hain ki subah ka bhula shaam ko ghar aa jaye to use bhula nahi kehte. To kuch is tarah se Raaz 3 ka ye event raha full of drama and controversy. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. संजय लीला बंसाली को अपनी फिल्म रामलीला के लिए मिल गई है उनकी जूलियट। प्रियंका, कटरीना और करीना को मात देकर किस एक्ट्रेस ने संजय को किया है इम्प्रेस? लेट्स फाइंड आउट। संजय लीला बंसाली को मिल गई है उनकी जूलियट, लेकिन वो प्रियंका नहीं, कटरीना भी नहीं, बल्कि शांति प्रिया दीपिका पादुकोण है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो संजय ने आखिरकार दीपिका को अपनी फिल्म के लिए साइन करने का मन बना लिया है। करीना के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बाद प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ का नाम इस रोल के लिए सामने आ रहा था, लेकिन जूम ने आपको पहले ही बताया था कि दीपिका रामलीला में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए लॉबिंग कर रही हैं, और अब ऐसा लगता है कि दीपिका के ये सारे एफर्ट्स कामयाब हो गए हैं और उनको इस फिल्म के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है।
वैसे अभी तक संजय ने अपनी फिल्म की एक्ट्रेस का नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि अभी वो अपनी फिल्म के साथ कोई और कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहते। करीना को अपनी फिल्म के लिए फाइनलाइज करने के बाद सबसे पहले संजय ने ही मीडिया को ये न्यूज कंफर्म की थी। साथ करीना ने भी जूम के कैमरे पर इस न्यूज को कंफर्म किया था। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने, रामलीला बनाने। बेबो के इस कॉन्फर्मेशन के बावजूद वो अब रामलीला की कास्ट में नहीं है। यही वजह हो सकती है कि संजय दीपिका का नाम अपनी फिल्म के शुरू होने तक अनाउंस ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहरुख खान ने अपनी रोमांटिक फिल्म की शूटिंग हाल ही में कंप्लीट की है और एसआरके ने फैसला किया है कि बिना रेस्ट किए हुए वो अपनी नेक्स्ट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। शाहरुख क्यों अपनी फिल्म की शूटिंग करने में कर रहे हैं जल्दबाजी? लेट्स फाइंड आउट। दिल तो बच्चा है जी, फ्लॉप। रास्कल्स, फ्लॉप। फिर आई सिंघम, सुपर डुपर हिट। गेम, फ्लॉप। प्लेयर्स, फ्लॉप। और फिर आई अभिषेक की बोल बच्चन, सुपर डुपर हिट। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि हम आपको अजय और अभिषेक की फ्लॉप फिल्में और हिट फिल्में क्यों गिनवा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कनेक्शन है रोहित शेट्टी का, और अब शायद इस पैंतरे को आजमाना चाहते हैं शाहरुख खान भी, और यही वजह होगी कि एसआरके ने अपनी चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग को प्रीपोन कर दिया है। पिछले कुछ समय से एसआरके ने एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं दी है, चाहे वो रा 1 हो या फिर डॉन 2। प्रोबेबली इवन शाहरुख खान वांट्स टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ रोहित शेट्टी सक्सेस, और वो ऐसा करे भी क्यों ना। अब एक एक करके उनकी सारी फिल्में फ्लॉप जो होती जा रही हैं। वैसे इसके पीछे वजह बताई जा रही है एसआरके की क्रिकेट टीम। दरअसल जल्द ही शुरू होने वाला है एक क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका हिस्सा होगी शाहरुख खान की क्रिकेट टीम भी, और शाहरुख उस समय रहना चाहते हैं अपनी टीम के साथ। एंड दैट्स द रीजन व्हाई जो फिल्म अक्टूबर एंड में फ्लॉप पर जाने वाली थी, अब उस पर सितंबर 27 से ही काम शुरू हो जाएगा। वैसे इस फिल्म के प्रीपोन होने से रोहित शेट्टी भी खुश हैं, क्योंकि वो भी नवंबर से अपनी सिस्टर की वेडिंग में हो जाएंगे बिजी। पर रोहित और शाहरुख रीजंस चाहे जो भी दें, हमें लगता है कि शाहरुख खान को यश चोपड़ा की फिल्म से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तभी तो वो जल्द शुरू कर रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस पर काम। शायद शाहरुख इस सोच में डूबे हुए हैं कि जिस तरह अजय और अभिषेक बच्चन के सितारे गर्दिश में नहीं थे और तब रोहित शेट्टी ने उन्हें सक्सेस दिलाई, उसी तरह शाहरुख की भी चेन्नई एक्सप्रेस उन्हें उतनी ही सक्सेस दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली रोहन सिप्पी की फिल्म के सेट्स पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स ने तोड़फोड़ की थी, और अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने फैसला किया है कि अगर मुंबई में उन्हें शूटिंग के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिली तो वो शूटिंग बंद कर देंगे। क्या है पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। जूम ने आपको कल दिखाया था कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने रोहन सिप्पी के फिल्म के सेट पर जमकर किया था तोड़फोड़। एक्टर आयुष्मान खुराना की गाड़ी, जॉन इब्राहिम की वैनिटी वैन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इस बार वो इस इश्यू को यूं ही नहीं जाने देंगे, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिलकर फिल्म के सेट्स पर प्रॉपर सिक्योरिटी की मांग करेंगे, और अगर वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं रहे तो किसी और ही स्टेट में फिल्म्स की शूटिंग का फैसला लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश भट्ट का कहना है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फिल्म के सेट्स पर तोड़ फोड़ करके पॉलिटिकल पार्टीज को इजीली पब्लिसिटी मिल जाती है, इसलिए वो हमेशा सबसे ज्यादा इनके निशाने पर होते हैं। मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा और आशुतोष गोवारीकर की एक टीम आज चीफ मिनिस्टर से मिलकर फिल्म्स के सेट्स पर प्रॉपर सिक्योरिटी की मांग करेंगे। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि प्रोड्यूसर्स की मांग पर गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फराह खान और चित्रांगदा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
डायरेक्टर फराह खान और चित्रांगदा सिंह फिल्म जोकर को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और रिसेंटली एक इवेंट पर फराह और चित्रांगदा ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। हैव अ लुक। एक आइटम सॉन्ग किसी भी फिल्म को हिट कराने में कितनी मदद करता है और जिस तरह से आजकल आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड शुरू हो गया है उसी में शामिल हुआ है जोकर का नया सॉन्ग और मेरे साथ में है फिल्म के प्रोड्यूसर फराह खान। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आइटम सॉन्ग को लेकर वो कितनी एक्साइटेड और कितना इत्तेफाक रखती है मेरे बात से कि एक आइटम सॉन्ग फिल्म को हिट बनाने में और फिल्म की स्क्रिप्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक सलमा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आइटम सॉन्ग एक फिल्म में अचार का रोल प्ले करता है, तो वो जो चटपट आपको चाहिए थोड़ा सा, अगर वो ना हो और फिल्म का कंटेंट भी हो वो भी चलेगा, बट वो अचार के आने से एक मज़ा थोड़ा, यू नो दैट स्पाइस इज़ रिक्वायर्ड समटाइम्स। और मुझे लगता है कि आइटम सॉन्ग थोड़ा एक पुश दे देता है म्यूज़िक के एल्बम को, स्पेशली इफ़ द सॉन्ग इज़ कोरियोग्राफ वेल, इट इज़ अ गुड सॉन्ग, ऑडियो उसका स्ट्रॉन्ग हो और एक बहुत ही हॉट ब्यूटिफुल हीरोइन उसमें डांस कर रही हो तो चार चांद लग जाते हैं, जैसे कि हमारी हॉट रेड चिली आज जो यहाँ खड़ी है। Why you choose this achar? I mean, इस अचार में ऐसे क्या? Yes. ये अचार का ये कैरी है अचार की। Why did I choose her is unlikely अचार है ये, क्योंकि हमें वापस वही सेम रेगुलर आइटम गर्ल्स का जो एक लिस्ट आती है उससे थोड़ा हटके कुछ करना था। मैंने चित्रांगदा को कुछ दिन पहले ब्यूटी पार्लर में मिली थी तो वो मेरे माइंड में रह गई थी। आई थिंक अगर नहीं मिलते तो शायद मैं सोचती कि यार चित्रांगदा से आइटम सॉन्ग कराएंगे, इट वुड बी अनलाइकली, बट बिकॉज आई जस्ट मेट हर एंड आई सीन हर वो रह गया मेरे जहन में। चित्रांगदा, थैंक गॉड आप उस दिन पार्लर गए थे तो आपकी फराह से मुलाकात भी गया। आई थिंक हाँ डेस्टिनी है डेफिनेटली, यू नो कि मतलब वो मुझे वहाँ मिली एंड आई डिडंट थिंक आई लुक माय बेस्ट, आई वाज लाइक यहाँ तो कोई चांस नहीं है। उनका अपॉइंटमेंट एक्चुअली मैंने ले लिया था तो वो बेचारी आधे घंटे बाहर खड़ी थी। है कौन? मेरा अपॉइंटमेंट टाइम है। ये कहना चाहेंगे कि आइटम सॉन्ग, जैसे कि फराह बता रही थी कि आइटम सॉन्ग इट्स इम्पॉर्टेंट और एक फिल्म में एक अचार का काम करता है, लेट्स होप ये अचार ऑडियंस को पसंद आए। कैमरामैन परेश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। अक्षय कुमार ने डायरेक्टर प्रिया दर्शन के साथ हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी हिट फिल्में दी है, लेकिन अब अकी के पास प्रिया दर्शन के लिए वक्त नहीं। क्यों अक्षय कर रहे हैं प्रिया दर्शन को इग्नोर? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार के लिए 2012 साबित हुआ है एक ग्रेट ईयर। उनकी दो फिल्म्स हाउसफुल और राउडी राठौड़ ने बॉक्स ऑफिस पर किया है 100 करोड़ का बिजनेस, लेकिन अक्षय के लिए ये खुशियों की सौगात काफी समय बाद आई है क्योंकि 2011 में अक्षय ने बैक टू बैक कई फ्लॉप फिल्म्स दी थी और लगता है यही वजह है कि अक्षय अपने फिल्म सिलेक्शन को लेकर काफी चूजी हो गए हैं। डायरेक्टर प्रिया दर्शन के साथ हेरा फेरी, भूल भुलैया जैसी हिट फिल्म्स करने वाले अक्षय के पास अब इनके लिए टाइम नहीं है। सुनने में आया है कि अक्षय ने डेट्स इशू का हवाला देते हुए प्रिया दर्शन की फिल्म रंगरेज को करने से इनकार कर दिया है। दरअसल अक्षय प्रिया दर्शन की कुछ लास्ट फिल्म्स के रिकॉर्ड को देखकर परेशान है। प्रिया दर्शन की लास्ट रिलीज फिल्म्स दे दनादन, खट्टा मीठा और तेज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और लगता है इसी ट्रैक रिकॉर्ड का असर है कि प्रिया दर्शन के नाम पर अक्षय ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। और अक्षय आजकल बॉलीवुड के ट्राइड एंड टेस्टेड डायरेक्टर्स के साथ ही काम करना चाहते हैं जिनकी फिल्म्स ने हाल फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया है। वैसे अपनी फिल्म्स के लिए अक्षय से ना सुनने के बाद प्रियदर्शन ने किसी बड़े एक्टर को कास्ट ना करने का फैसला ले लिया है और सुनने में आया है कि प्रियदर्शन ने जैकी भगनानी को इस फिल्म के लिए साइन करने का फैसला लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि जैकी के डैड वाशु भगनानी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। वेल वी होप फिल्म रंगरेज प्रियदर्शन के लिए वही पुराना गुड लक लेकर आए, शायद तब अक्षय फिर से प्रियदर्शन की फिल्म्स में वापस आ जाए। फॉर एलका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, तो स्टे विद अस। अक्षय कुमार ने इस साल दो बैक टू बैक हिट्स हाउसफुल 2 और राउडी राठौड़ दी है और अक्षय अब अपने करियर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इसलिए अक्षय ने अपनी फिल्म्स को हिट बनाने के लिए अपनाया है एक नया फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? लेट्स फाइंड आउट। काफी वक्त से अक्षय और कटरीना की कोई फिल्म नहीं आई थी, पर अब खबर आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्षय और कटरीना दिखेंगे एक साथ, वो भी दो फिल्म्स में।
अगर सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार एक साथ रीमेक में कर रहे हैं काम, जिसे डायरेक्ट करेंगे रजनी के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस। इतना ही नहीं, जल्द ही नमस्ते लंदन का सीक्वल भी बन सकता है और अक्षय की इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कटरीना होंगी उनके ऑपोजिट। अगर आपको याद हो तो इस खबर ने बीच में काफी हेडलाइंस क्रिएट की थी दैट सोनाक्षी इज अक्षय न्यू लकी चार्म, एंड दैट्स द रीजन व्हाई राउडी राठौर जोकर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म के सीक्वल के बाद उन्होंने सोनाक्षी को फिल्म ओ माय गॉड में भी आइटम सॉन्ग ऑफर किया है। बट नाउ दैट अक्षय इज डूइंग अ फिल्म विद कटरीना कैफ एज वेल, हम ये कह सकते हैं कि अक्षय को अपनी दोनों लकी चार्म्स के साथ काम करना है। फॉर आरती दानी, जूम मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's number one Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/zoomtv.